सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करने वाला हूं। आजकल क्रेडिट कार्ड तो हर किसी के पास होता है, एक या दो क्रेडिट कार्ड्स तो आजकल आम बात है, लेकिन कुछ लोगों के पास 6, 7, 8 क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं। अब आजकल ऑनलाइन शॉपिंग इतनी कॉमन हो गई है, किसी वेबसाइट के ऊपर किसी क्रेडिट कार्ड को प्रमोट किया जाता है, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, किसी दूसरे वेबसाइट में किसी दूसरे या तीसरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है। फिर दूसरा, कुछ लोग सोचते हैं कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से मैं अपना क्रेडिट कार्ड पीरियड बढ़ा सकता हूँ, एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे से कर दी, दूसरी की तीसरे से कर दी। लेकिन क्या इतने फायदे सच में हैं क्रेडिट कार्ड के, या फिर उसके नुकसान ज्यादा हैं? इसी बारे में मैं आपसे इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट मैंने पीछे क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम मेनली क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे, साथ ही में मैं लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि किस तरीके से आपको स्मार्टली क्रेडिट कार्ड्स को यूज करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और आपको क्यों ये लेना चाहिए। इसके फायदे और नुकसान हम दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये प्लास्टिक मनी है, जैसे आपके करेंसी नोट्स होते हैं, आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं नोट देके, या फिर आप कहीं पे खाना खाते हैं, किसी तरीके की कोई टिकट खरीदते हैं, ट्रैवलिंग टिकट खरीदते हैं, हर जगह जहां पे भी नोट चलते हैं वहां पे क्रेडिट कार्ड भी चल जाता है आज की डेट में। तो आप इससे पेमेंट्स कर सकते हैं एट आउटलेट्स, किसी भी तरीके की शॉपिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का बिल पे कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के लिए पेमेंट कर सकते हैं, फिर आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया भर के, वहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं, किसी और तरीके की आपकी ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो भी आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और तीसरा आप एटीएम से कैश भी निकाल सकते हैं। तो ये तीन मेन काम होते हैं। अब एटीएम कैश आपको निकालना चाहिए या नहीं, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप ये तीन मेन काम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, जो भी आप करेंसी नोट्स से कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे है। ये बेसिकली आपकी सैलरी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। सिबिल स्कोर का मतलब है आपकी पास्ट में क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है, मतलब आपने अगर कोई लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, तो आपने उसकी टाइम पे पेमेंट की है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है आपका सिबिल स्कोर। अब सिबिल स्कोर क्या होता है, कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, सिबिल स्कोर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो अगर हम पहले फायदों की बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो ये एक सेफ तरीका है कैश कैरी करने का, मतलब आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड के अंदर 1 लाख रुपए की लिमिट मिल जाती है, तो आपके लिए 1 लाख रुपए कैश करना कैरी करना तो प्रैक्टिकल भी नहीं है और सेफ भी नहीं है आपके लिए, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड में 1 लाख की लिमिट लेके कहीं पे भी घूम सकते हैं। और अगर आपको और ज्यादा लिमिट चाहिए और आपकी सैलरी अलाउ करती है तो आप अपनी लिमिट बढ़वा भी सकते हैं। दूसरा, आपको एक रिकॉर्ड मिल जाता है, आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपका हमेशा रिकॉर्ड रहेगा उसका, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिस भी मर्चेंट से आपने सामान खरीदा उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या किसी भी थर्ड पार्टी से आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी? सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है कि अगर आप पेमेंट डिले करते हैं क्रेडिट कार्ड की, तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई चार्ज होता है और दुनिया भर के चार्जेस लग जाते हैं। अगर मैं आपसे इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो 36 से 40% पर एनम के का इंटरेस्ट लग जाता है, जो किसी भी लोन या किसी भी तरीके की आपकी क्रेडिट हो उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पर्सनल लोन भी आपको 18 से 24% पर मिल जाता है काफ़ी आसानी से, लेकिन यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो रहा है। और साथ ही में आपको दुनिया भर के चार्जेस लग जाते हैं, फाइनेंस चार्जेस, लेट पेमेंट फीस, और इनफैक्ट मैं इसके ऊपर एक हिडन चार्जेस के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ क्रेडिट कार्ड हिडन चार्जेस के ऊपर, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड्स की दूसरी बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर आपका डिफॉल्ट होता है पेमेंट का, तो आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो जाता है, और सिबिल स्कोर खराब होने का मतलब है कि आपको फ्यूचर में लोन या क्रेडिट कार्ड आसानी से नहीं मिलेगा, और सिबिल स्कोर एक बार खराब होता है तो उसको इम्प्रूव करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो ये हो गए इसके फायदे और नुकसान, दो फायदे और दो नुकसान की हमने मेन बात करी। तो सवाल उठता है कि क्या क्रेडिट कार्ड अच्छा है या बुरा है, लेना चाहिए या नहीं। ये एक सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कैसे करते हैं। अगर आप इसको स्मार्टली यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, और ज्यादातर लोग इसको स्मार्टली यूज करते हैं तो उनके लिए काफी कन्वीनियंट भी होता है। लेकिन अब स्मार्टली कैसे यूज करना है इसको हम जान लेते हैं। आपने कई बार सुना होगा इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड की बात करते हैं। जब भी आपके पास कोई कॉल आता है क्रेडिट कार्ड बेचने वाले लोगों का, वो कहते हैं कि हमारा 50 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आप जो भी सामान खरीदेंगे उसके ऊपर। इसका मतलब क्या है, देखिए 20 से 50 दिन मिलते हैं आपको जब भी आप शॉपिंग करते हैं, उसके बाद 20 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है। इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका बिल जनरेट हुआ 5 जुलाई को, यहाँ पे हम बिल लिख देते हैं, और लेट से उसकी जो पेमेंट डेट है तो वो 25 जुलाई आपकी लेट से ड्यू डेट है पेमेंट की। तो आपको देखिए यहाँ पे क्लियरली 20 दिन तो यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे आप 20 दिन बात करेंगे तो आपको ये 20 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड मिल गया। दूसरा मान लेते हैं कि आपने जो शॉपिंग करी थी वो 6 मई को करी थी, यहाँ पे मैं शॉपिंग आपका 6 मई का मान लेता हूँ। तो अब देखिए 6 मई से लेके 5 जुलाई तक ये एक महीना हो गया, यहाँ पे आपको 30 डेज मिल गए। तो अभी आप टोटल ऐड करेंगे तो ये आपका 50 डेज का फ्री क्रेडिट पीरियड आ गया। तो बेसिकली जिस दिन भी आपका बिल जनरेट होता है उसके अगर आप नेक्स्ट डे शॉपिंग करते हैं तो आपको 50 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। और उसके बीच में अगर आप करते हैं शॉपिंग, लेट से यहाँ पे हम मान लेते हैं आपने ये शॉपिंग अगर 15 मई को करी होती तो कितना मिलता आपको, 15 मई से लेके 5 जुलाई तक बेसिकली 15 और 5 20 दिन यहाँ पे हो जाते, 20 डेज और 20 दिन यहाँ पे हो जाते, तो यहाँ पे आपको 40 डेज का फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता। तो इसी हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी शॉपिंग किस दिन हुई है, उस हिसाब से आपका फ्री क्रेडिट पीरियड डिसाइड होता है, और ये मिनिमम 20 डेज का होता है और मैक्सिमम 50 डेज का होता है। लेकिन अब मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, जब आप डिफॉल्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 25 जुलाई को जो ड्यू डेट है आपने अपनी फुल पेमेंट अब पे नहीं करी, मान लीजिए जितना भी आपका ड्यू अमाउंट था, तो इंटरेस्ट जो है वो डेट ऑफ परचेज से चार्ज हो जाता है। मतलब डेट ऑफ परचेज हमारी कौन सी है इस केस में, 6 मई से चार्ज हो जाएगा, तो आपको पूरा 50 दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये बात का आप ध्यान रखिए, आपको ये 50 दिन का फ्री पीरियड तभी मिल रहा है जब आप इसकी पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं, अदरवाइज आपको पूरा इंटरेस्ट देना होगा। तो इस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि नए लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। जो लोग ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और हो सकता है उनके साथ एक्सपीरियंस काफी अच्छा ना रहा हो, वो अपने फ्रेंड्स को या फैमिली वालों को बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड से दूर रहना, बहुत नुकसान हो गया मेरा। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड खरीदना चाहिए, लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप उसको स्मार्टली यूज करेंगे तो काफी कन्वीनियंट हो जाता है। और दूसरी बात, आप स्मार्टली कैसे यूज करेंगे, आप अपनी पेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से उसको इस्तेमाल कीजिए। क्रेडिट लिमिट आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है, क्रेडिट लिमिट के हिसाब से मत इस्तेमाल कीजिए। आपको मैं एक रफ रूल बता देता हूं, आपकी जितनी भी सैलरी है आप उसका 50% मंथली स्पेंडिंग ना करें, मतलब 50% से ज्यादा स्पेंडिंग ना करें अपने मंथली सैलरी की। तो पेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से आप बेसिकली ज्यादा खर्चे नहीं करेंगे क्रेडिट कार्ड से, तो आपका क्रेडिट हंगरी बिहेवियर भी नहीं बनेगा और आपको ज्यादा खर्चे करने की आदत भी नहीं पड़ेगी। और हमेशा जितना भी आपका अमाउंट ड्यू होता है उसको फुल पेमेंट कीजिए। हाफ पेमेंट में आपका सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है, तो सिबिल स्कोर का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए इसमें कई बार क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू लिखा होता है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अंदर, वो एक ट्रैप है। इसका मतलब यह है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है ना वो आपको एक तरीके से खाली इंटरेस्ट पेमेंट या फिर जो भी चार्जेस हैं वो एक मिनिमम पे करने के लिए कहा जा रहा है, और जितना भी बैलेंस ड्यू होगा उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका टोटल ड्यू लेट से 1 लाख रुपए का है, ठीक है जी, और इसकी जो भी डेट है आपकी लेट से 25 जुलाई ही मान लेते हैं हमने जो अपने एग्जाम्पल में ली थी, और आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू कहा जाता है कि आप खाली 6000 रुपए भर दीजिए। अब मान लीजिए आप ये 6000 रुपए ही पे कर देते हैं खाली, और ये जो बाकी का 94000 रुपया है इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा 25 जुलाई ऑनवर्ड्स। इनफैक्ट 25 जुलाई ऑनवर्ड्स नहीं, जब भी आपने शॉपिंग करी थी, अगर आपने 6 मई को यहां पे शॉपिंग करी थी 6 मई को, तो 6 मई से आपका ये इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 36% पर एनम चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको ख्याल रखना है
कि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं करेंगे, आप फुल अमाउंट पे करना है आपको, अदरवाइज आपका सिबिल स्कोर भी डाउन होगा और साथ में आपको इंटरेस्ट चार्ज भी बहुत ज्यादा लगेगा। चलिए ये तो होगी प्रिकॉशंस की बात, अब बात करते हैं कि अगर आप ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड डेट के ट्रैप में फंस चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए पहली बात तो आप जितने भी ऐसे नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं जो आपको बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं चाहिए उनको आप डिले कर सकते हैं और आप प्लीज उनको डिले कीजिए। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप पहले कीजिए, कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई आपके पास बल्क पेमेंट आती है तो आप क्रेडिट कार्ड का ड्यूज पहले पे कीजिए। दूसरा, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज बाकी के लोन से पहले पे करने हैं आपने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है 36 से 40% का, ये सबसे ज्यादा होता है, तो इसको आपको सबसे पहले क्लियर करना है। बाकी के लोन्स को आप डिले कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट आप दूसरा कोई लोन भी ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करने के लिए। अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो उसके ऊपर आप टॉपअप लोन ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि होम लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है। फिर आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं टू पे क्रेडिट कार्ड ड्यूज। अब इसके दो तीन फायदे होते हैं अगर आप दूसरा लोन लेते हैं तो, एक तो आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी बेटर मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए टॉपअप लोन लेते हैं तो हो सकता है आपको खाली 10% पे ही मिल जाए पर एनम पे। अगर आप पर्सनल लोन भी लेते हैं तो आपको आराम से 18-20% का काफ़ी आसानी से इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। दूसरा, आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ भर सकते हैं। जब भी आप क्रेडिट कार्ड की ड्यू पेमेंट करते हैं, आप मान लीजिए एक डेट ट्रैप में फंस गए हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करता रहता हूं और आप उसी में मान लीजिए आपकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, आप खाली मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करे जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल तो आपका कम हो ही नहीं रहा उस केस में। लेकिन अगर आप लोन ले लेते हैं तो आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका लॉन्गर टेन्योर हो जाता है। अब देखिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी हम अपना वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका 1 लाख का टोटल ड्यू था, लेट से ये क्रेडिट कार्ड का ड्यू था, राइट। अब इसको मान लीजिए आप ईएमआई में कन्वर्ट करा लेते हैं, ईएमआई मतलब आप लेट से पर्सनल लोन ले लेते हैं और 1 लाख की जगह आप 10,000 रुपये महीना भरना शुरू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 लाख में हो सकता है कि आपका 10,000 तो मिनिमम अमाउंट ड्यू ही हो। अब ये जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होगा ये खाली हो सकता है लेट पेमेंट चार्जेस और आपके जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं खाली वही हो, आपका प्रिंसिपल कभी भी कम नहीं होगा। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10,000 रुपये आप पर मंथ भरते हैं और लेट से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 18% होता है, तो आपका ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस केस में एक तो आप 1 लाख का ये अमाउंट एज इट इज़ है और दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट भी इतना ज़्यादा हाई है, तो दोनों ही फायदे हैं। इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है और आपकी पेमेंट भी, मतलब जो आपका मंथली पेमेंट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आता है कि आपको एटीएम से कैश निकालना चाहिए या नहीं। देखिए पहली बात तो आपको कैश बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन ना हो तो आपको नहीं निकालना चाहिए। अगर कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी है आपकी तो ही आप एटीएम से कैश निकालिए। मतलब क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप अगर एटीएम से कैश निकालते हैं तो इंटरेस्ट काफ़ी हाई, जितना भी मैंने आपको बताया है वो 36 से 40% का, वो इमीडिएटली चार्ज होना शुरू हो जाता है। जिस दिन भी आप विड्रॉ करेंगे उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी नहीं मिलता है। इसीलिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आपको एटीएम से कैश निकालना चाहिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। आपके पास अगर कोई भी आपके पास मीन्स नहीं बचा है, आपको बिल्कुल ही अर्जेंसी नहीं है, तो आप मत निकालिए। अब देखिए एक और चीज़ सुनने को मिलती है, कई बार आपको क्रेडिट कार्ड वाले या जो भी बैंक है जहाँ से भी आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो कहते हैं कि हम इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। उसका क्या मतलब होता है? तो बेसिकली जो आपका क्रेडिट कार्ड का डेट है उसको ईएमआई ऑप्शन में तब्दील कर दिया जाता है। मान लीजिए इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड का लेट से 50,000 रुपये ड्यू है। अब देखिए 50,000 आपको इमीडिएटली देना है कायदे से, मतलब जो भी आपका पीरियड है 1 महीने के अंदर अंदर देना है, साथ में आपका 36% पर एनम का उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। अगर आपके पास 50,000 रुपये नहीं है तो आपको ये इंटरेस्ट रेट लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, उसको ईएमआई में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपको 5,000 रुपये लेट से पर मंथ भरने होते हैं और बैंक आपको इंटरेस्ट भी थोड़ा इसमें कम चार्ज करता है, लेट से 24% पर एनम चार्ज कर सकता है। लेकिन अब देखिए क्या ये ईएमआई ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट तो कम मिल रहा है और आपकी टेन्योर बढ़ गई, आपको ये जो पर मंथ है ये हो सकता है आपको ईएमआई लेट से आप 12 महीने के अंदर चुका सकते हैं। यहाँ पे तो आपको 1 महीने के अंदर ही 50,000 रुपये देने थे, बजाय इसके आप 12 महीने का ईएमआई ऑप्शन लेके 5,000 रुपये महीने का चुका सकते हैं।
लेकिन आप इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट जरूर कैलकुलेट कर लीजिए। कई बार ये जो इंटरेस्ट होता है ये काफी ज्यादा होता है। बैंक कहता है कि हम आपको खाली लेट से 1.2% पर मंथ का इफेक्टिव इंटरेस्ट दे रहे हैं, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट, लेकिन जब आप उसका IRR कैलकुलेट करेंगे, पूरा पेमेंट का जो शेड्यूल बना के अगर आप कैलकुलेट करते हैं एक्सेल शीट के अंदर, तो आपको आप देखेंगे कि वो इंटरेस्ट रेट हो सकता है 24% हो, 30% हो, इतना भी हो सकता है। तो आप अपनी कैलकुलेशन जरूर कर लें। इनफैक्ट आप अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो वो ज्यादातर बेटर ऑप्शन निकल के आता है, क्योंकि पर्सनल लोन में आप श्योर हैं कि आपको 18% का अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आपको 18% ही भरना है। कई बार अगर आप मान लीजिए, हाँ डेफिनेटली, अगर आपको ये यहाँ पे ऑप्शन EMI का ऑप्शन अगर आपने जिस भी बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है वो आपको बेटर लग रहा है तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम 0% इंटरेस्ट EMI की। ये भी काफी सुनने को मिलता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड पे 0% EMI मिल जाती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, 0% इंटरेस्ट EMI मिल जरूर जाती है, लेकिन उस केस के अंदर जितने भी आप जो भी आप सामान खरीद रहे हैं वो आप हो सकता है MRP पे खरीदें, या जितना आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए था उतना आपको डिस्काउंट ना मिले। तो इस केस में क्या होता है, जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है वो डायरेक्टली सामान बेचने वाली कंपनी से पैसा ले लेती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आप एक फ्रिज खरीदते हैं, लेट से फ्रिज की कीमत 30,000 रुपये है, इसका MRP है, ठीक है। अगर आप इसको मार्केट में खरीदने जाते हैं तो लेट से आपको 3,000 का डिस्काउंट काफी आसानी से मिल जाता है, तो आपको ये इफेक्टिवली लेट से 27,000 रुपये का पड़ता है। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से 0% EMI पे खरीदेंगे तो हो सकता है ये आपको 30,000 रुपये का ही पड़े, और ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको 30,000 रुपये का ही पड़ेगा, और ये जो बाकी का 3,000 का डिस्काउंट है ये क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड कंपनी यहाँ पे कमा लेती है। तो देखिए, 0% इंटरेस्ट आपके लिए मेन मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने का। अगर हाँ, आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके कि भाई हाँ, अगर आपको ये मान लीजिए डिस्काउंट भी मिल रहा है और साथ में 0% इंटरेस्ट EMI मिल रही है, तब क्या दिक्कत है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब लास्टली एक सवाल उठता है कि क्रेडिट कार्ड मुझे कितने रखने चाहिए। तो अब देखिए, मैंने जैसा पहले आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, कुछ लोग 5 क्रेडिट कार्ड, 6, 7, 8 क्रेडिट कार्ड भी रखते हैं, तो वो क्या सही है, रिकमेंडेड है? नहीं, मेरे हिसाब से तो रिकमेंडेड नहीं है। मेरे हिसाब से 1 या 2 क्रेडिट कार्ड सफिशियंट होते हैं, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली आपके को जितने भी डिस्काउंट मिलने होते हैं वो कभी ना कभी हर क्रेडिट कार्ड पे मिल ही जाते हैं, या फिर आप फैमिली के क्रेडिट कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं दूसरे बैंक के, अगर आपको डिस्काउंट ही लेना है कहीं पे ऑनलाइन। और देखिए, ये ऑनलाइन डिस्काउंट के लिए आप खाली एक पूरा क्रेडिट कार्ड ले लेंगे तो वो आपको मैनेज भी करना है आगे। अब क्रेडिट कार्ड मैनेज करने के लिए भी काफ़ी सारे झंझट हैं, आपको एनुअल चार्जेस लग सकते हैं, या फिर अगर आपके एनुअल चार्जेस वेव होते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करनी है साल के अंदर, फिर आपके डिफॉल्ट होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। डिफॉल्ट आप करेंगे तो सिबिल स्कोर भी कम होगा, इंटरेस्ट रेट काफी हाई पे करना पड़ेगा। तो इतने सारे झंझट से अच्छा है कि आप 1 या 2 क्रेडिट कार्ड रखिए, उसमें आपको काफी आसानी से काम चल जाता है। अदरवाइज आप कितने बैंकों के कितने क्रेडिट कार्ड लेंगे, कभी किसी क्रेडिट कार्ड पर आपको डिस्काउंट मिलता है, कभी किसी क्रेडिट कार्ड पर आपको डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा एक और चीज मैं यहाँ पे आंसर करना चाहूंगा, कई बार लोग कहते हैं कि मैं एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे से कर दूंगा, दूसरे की तीसरे से कर दूंगा, इस तरीके से मेरा क्रेडिट पीरियड बढ़ता चला जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी आपने लेट से 3 क्रेडिट कार्ड हैं आपके पास, आपने 50,000 की यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बनती है, 50,000 की आपको पेमेंट करनी है इस क्रेडिट कार्ड की, और ये 50,000 की पेमेंट आप एक दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं, तो अब ये 50,000 का यहाँ से हटके जो लाइबिलिटी है इस वाले क्रेडिट कार्ड पे आ गई, इस वाले क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपने तीसरे से कर दी तो ये लाइबिलिटी यहाँ पे आ गई हटके। अब आप कहते हैं कि अब ये वाला क्रेडिट कार्ड की तो मेरी फ्री हो गई, अब इससे मैं दोबारा से पे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाइए, 50,000 की लाइबिलिटी फिर से यहाँ पे बन गई, लेकिन ये लाइबिलिटी खत्म कहाँ हो रही है? खत्म नहीं हो रही है, खाली रोटेट हो रही है, आपका क्रेडिट पीरियड थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेकिन बाई चांस आपको लेट से 15,000 का सामान कुछ और खरीदना है, तो दोबारा से आप 50,000 की आप डेफिनेटली ये लाइबिलिटी इसलिए पे नहीं कर रहे हैं अपने बैंक से क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है शायद, तो अब ये बाकी का 15,000 का सामान आप खरीदेंगे कैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती है? तो देखिए, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी आपकी पेमेंट कैपेसिटी है उतना ही आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग कीजिए, तो कभी ना कभी तो आपको अपने बैंक से ये लाइबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी। जब तक आप यहां से 50,000 रुपये एडिशनल नहीं डालेंगे तब तक ये जीरो नहीं आएगा। तो आई थिंक मैंने सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज कर पाएंगे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने विचार शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इनफैक्ट आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं हर रोज फाइनेंस के इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे शेयर करता रहता हूं। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।